हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली ब्लॉगर पूजा। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हेयर केयर से फिर से। तो आज हम लोग जो है, मैं और मम्मी मतलब दोनों मिलके हम लोग लगा रहे हैं मेहंदी बालों में, मतलब जो ये हरी मेहंदी होती है, लाल मेहंदी जो भी बोलते हो आप वो लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं नूपुर की जो है, गोदरेज का नूपुर की मेहंदी आती है वो यूज़ कर रही हूँ। मैं या तो नूपुर की मेहंदी यूज़ करती हूँ या फिर खादी की जो नेचुरल हर्बल मेहंदी आती है वो यूज़ करती हूँ। तो वो मुझे मिली नहीं थी फ़िलहाल मार्केट में, तो मैं नूपुर की ले आई थी। नूपुर की भी काफ़ी अच्छी रहती है मेहंदी, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो पैकेट लिए हैं क्योंकि हम दोनों को लगानी थी अपने बालों में, और मेरे बालों की लेंथ आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी लेंथी है मेरे बाल, तो उस वजह से जो है ये दो पैकेट लग ही जाएंगे, मतलब मेरे और मम्मी के दोनों के बाल मिला के। मम्मी के बाल तो ज़्यादा लंबे नहीं हैं बट मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं, तो उसमें मेहंदी ज़्यादा ही लगती है। तो यहाँ पे दोनों पैकेट मैंने खाली कर लिए हैं, और साथ में मैंने गैस पे जो है गर्म पानी भी रख दिया है। मैं गर्म पानी में भिगोऊंगी इसको। तो ये मेहंदी लगाने से पहले जो है एक दो घंटे पहले मैंने भिगो के रख दी थी, ताकि इसमें क्या होता है बीच में जो लम्स वगैरह होते हैं वो भी नहीं रहते, और दूसरी बात ये होती है कि थोड़ा बहुत जो कलर होता है वो अच्छा आ जाता है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पतीला जो है ये आधा भर गया है, ये छोटा वाला है 1.5 किलो का, इतना बड़ा पतीला नहीं है। तो ये जो है काफ़ी भर गया है, थोड़ी सी मेहंदी नीचे गिर गई थी तो वो उसको भी मैं इसी में ही डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे आप सामने देख सकते हो कि आंवला का पाउडर पड़ा है, रीठा का पाउडर पड़ा है, और शिकाकाई पाउडर पड़ा है, और मुल्तानी मिट्टी पड़ी है। तो ये जो है मैंने ओरिजिन से मंगवाए हैं, तो काफ़ी अच्छा जो है इनका रिज़ल्ट था। तो यहाँ पे अब मैं इसमें अपने ये जो पाउडर मैंने डाला है मेहंदी का, इसके अकॉर्डिंग ही जो है, इसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसमें ये आंवला पाउडर ऐड कर रही हूँ अभी। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं लिंक भी दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि आप हमेशा जो है मांगते हो लिंक, तो मैं कमेंट बॉक्स में भी लिंक जो है वो पिन कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं दो दो चम्मच डाल दूँगी इनके हर चीज़ के। तो आंवला पाउडर जो है आपको पता है कि कितना अच्छा रहता है बालों के लिए। अब इतना टाइम नहीं होता है किसी के पास कि मार्केट से ला के आंवले लाओ, फिर उनको सुखाओ, फिर उनका पाउडर बनाओ, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये रीठा पाउडर भी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, और रीठे भी वैसे मिल जाते हैं मार्केट में, बट फिर वही बात रहती है ना कि उनको सुखाना फिर पाउडर बनाना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो इतना नहीं हो पाता है। और ये रहा शिकाकाई पाउडर, तो पहले आपने देखा होगा कि शिकाकाई के साबुन वगैरह सब कुछ आते थे बालों के लिए, बट वो अब अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई नेचुरल प्रोडक्ट मिल रहा है इस तरह के चीज़ों का, तो फिर आपको जो है ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने शिकाकाई पाउडर भी दो ही चम्मच ऐड किए, हर चीज़ के मैंने दो दो चम्मच ऐड किए हैं। अब मुल्तानी मिट्टी आपको पता है कि आपको स्किन के लिए हो, बालों के लिए हो, बहुत अच्छी रहती है। और मैं तो बालों पे जो है अपना हेयर पैक एज अ हेयर पैक भी यूज़ करती हूँ मुल्तानी मिट्टी। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ज़्यादा डालूँगी मुल्तानी मिट्टी को, और इससे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर मुल्तानी मिट्टी का पैक भी यूज़ करते हो अलग से, मतलब बिना मेहंदी से, तो भी बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने ऐड कर लिए हैं, अब मैं इनको जो है मिक्स कर लूँगी। तो ये मैंने एक स्पून ले लिया है, और इससे मैं इनको जो है मिक्स कर लूँगी अच्छे से, और फिर मैं गरम पानी, तब तक पानी जो है रखा है गैस पे वो भी गरम हो जाएगा, और इसका जो है अच्छा सा एक थिक पेस्ट मैं बना लूँगी। तो बहुत से लोगों का मानना ये है कि मेहंदी से बाल सफ़ेद होते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं पता कि मेहंदी से बाल सफ़ेद होते हैं कि नहीं, बट अगर आप शिकाकाई और रीठा जो है अपनी मेहंदी में मिला देते हो तो उससे बाल जो है काले रहते हैं। इवन आंवला के आपको पता ही है कितने फ़ायदे होते हैं, विटामिन सी होती है इसमें, तो बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पे जो मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड मोड पे इसको जो है वीडियो को लगा रही हूँ, अदरवाइज़ ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका जो पेस्ट अच्छा सा अच्छे से मिक्स करके, इसको पानी मैंने एक साथ नहीं डाला है, धीरे धीरे पानी डालना है मैंने, और साथ साथ में इसको घोलती भी रही हूँ मैं। और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी हो गई है ये मेहंदी, और इसको मैं रख दूँगी अब। हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू हिमाचली ब्लॉगर पूजा चैनल। तो आज है फ्राइडे, जो मेहंदी मैंने घोली थी अभी मैंने आपको दिखाई थी वो ये रही,
हो गई है, मैं जा रही हूँ अब छत पे, हम लगाएंगे बालों में मेहंदी। मैं मम्मी के लगाऊंगी, मम्मी मेरे लगाएंगे, इसलिए मैंने इतना बड़ा पतीला खोल रखा है मेहंदी का, क्योंकि दोनों के सिर के लिए, मम्मी के सिर में तो फिर भी कम लगती है और मेरे बाल लंबे लंबे हैं तो मेरे बालों में ज़्यादा लगती है, इसलिए मेरे बालों के लिए ज़्यादा मेहंदी की ज़रूरत है। हम जा रहे हैं छत पे, आज सारे कपड़े सुखा दिए मैंने, कपड़े मतलब रजाई कंबल सब कुछ। लगाएंगे कैसे, बैठी ने अच्छा, तो अभी हम बाल सुखा लेंगे। मम्मी के तो सूख गए बाल, मैं भी सुखा लूंगी और उसके बाद आई अपना वो ले आते हूँ स्टैंड। सुबह से लेके हम लोग लगे हुए एक मिनट भी नहीं बैठे, रजाई कंबल सब कुछ सूख गए हमारे। हम मुझे लेके जाना है अपना ट्राईपॉड, क्योंकि मेहंदी लगाऊंगी मैं, वो जो मुल्तानी वो है ना मुल्तानी मिट्टी, उसको मैं फेस पैक भी लगाऊंगी, बट आज नहीं लगाऊंगी उसको, लगाऊंगी मैं कल, क्योंकि अब आदित का आने का टाइम होने वाला है और मुझे नहीं लगता कि टाइम मिल पाएगा, पर देखती हूँ अगर आज ही लग गया, मेरा मन कर गया अगर ऐसे तो फिर। अचार तो हमने डाल दिए पर इतने डब्बे नहीं है हमारे पास, प्लास्टिक वाले हैं, कांच वाले नहीं है, तो फिलहाल प्लास्टिक वाले में ही डाल देंगे। चलो चलते हैं छत पर, दूसरा फोन भी ले लेती हूँ अपना। आदित की छुट्टी कैंसिल हो गई है कल की सैटरडे, अदरवाइज उसका ऑफ होता था, बट अब नहीं होगा। ये वाली बेल ना मैंने यहाँ पे लटका दी है, जितनी बार हम आते जाते हैं हमारे सिर में ही टन टन बजती रहती है। चलो इससे ज्यादा ऊपर लग भी नहीं पा रहे, फोल्ड करने के बाद भी इतनी हुई। तो यहाँ पे जो है मम्मी ने मेरे बालों में मेहंदी लगा दी और उनके बालों में मैंने लगा दी थी, लगाते हुए का मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि एक हाथ से मैंने वो कटोरा पकड़ रखा था और फिर एक हाथ से पॉसिबल नहीं होता है ब्लॉग शूट करना। तो यहाँ पे जो है लगा लिए मम्मी ने, मैंने मेहंदी लगाने से पहले भी अपने बाल धो लिए थे क्योंकि मैंने हेयर ऑयलिंग करी थी पिछले ही दिन, तो जब हेयर ऑयल लगाओ तो फिर उसके बाद मैंने नहीं लगाई मेहंदी, मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिए थे अपने हेयर, और मेहंदी लगाने के बाद भी शैम्पू से नहीं धोने हैं बाल, ऐसे ही सिर्फ पानी से धो लेने और फिर अगले दिन ऑयलिंग करके फिर एक दिन छोड़ के आप शैम्पू से धो सकते हो बाल, सेम डे शैम्पू से नहीं धोने, सिर्फ मेहंदी निकल जाए इसलिए पानी से ही धोते रहना है। तो यहाँ पे मम्मी ने जो मेहंदी लगाई थी वो आगे पीछे इधर उधर भी हो गई थी, माथे में देखो पूरी लगी है, क्योंकि मम्मी वही बोल रहे थे कि उनको आइडिया नहीं है, उन्होंने कभी लगाई नहीं है अपने बालों के अलावा, तो उनको आइडिया नहीं है कि किस तरीके से लगानी है, बट फिर भी उन्होंने अच्छी खासी लगा दी है मेरे। तो बस अब ये वही क्लीन कर रहे हैं जो इधर उधर फैल गई है मेहंदी, उसको क्लीन कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग बाल धोएंगे और फिर दिखाती हूँ आपको कि मेहंदी का रंग कैसा चढ़ा। हाय, तो मुझे मेहंदी लगाए हुए ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए और मैं जा रही हूँ अब अपने बाल धोने के लिए, और बाल धोने के बाद दिखाती हूँ आपको कि मेहंदी कैसी लगी है, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। नहीं, मैं वीडियो बना रही हूँ, ये देखो मेरे बालों में कलर चढ़ गया ना मेहंदी का, और वो है ना मम्मी वो रीठा शीका का ही लगाया, उससे कितने सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए ना बाल। देख मेरे बाल भी कैसे हैं, इधर मम्मी के बाल वैसे बहुत वो है, खस रहे हैं मतलब अभी हार्ड बाल है, पर अब आज सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए, शैम्पू नहीं लगाना है। हाँ, जब भी मेहंदी लगाओ ना उसके बाद शैम्पू से नहीं धोने चाहिए बाल, अगले दिन बेशक धो लो, है ना मम्मी, अगले दिन भी ना पहले तेल मसल लो थोड़ा सा, हाँ फिर धो, तब कई दिन रहती है। एकदम से ना शैम्पू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि केमिकल्स होते हैं ना शैम्पू में, हाँ। तो फिर उसका मेहंदी का असर रह नहीं जाता, फिर मेहंदी का जो रंग होता है ना असली रंग होता है वो मेहंदी छोड़ देती है, बट ये देखो खुद ही देख लो अभी मेरे बाल गिलेंगे फिर भी कितने सिल्की सिल्की है, देखो
नरम नरम लग रहा है उससे, शीका का ही और आंवला का वो लगाया ना पाउडर। नहीं होती शैम्पू इन जी बहन लाए है, दो दिन नहीं धोए जैसे आज धोए ना। अब संडे को धोएंगे हम, मैंने कल तेल लगा लेना फिर जब अब संडे आएगा उस दिन। हाँ तो आज फ्राइडे है ना, आज फ्राइडे, आज हमने धो दिए, अब हम कल ऑयलिंग करेंगे, हेयर ऑयलिंग करेंगे फिर से, और उसके बाद फिर शैम्पू से धो लेंगे। तो मेरे बालों में रंग बड़ा अच्छा, देखो इसमें भी दिख रहा है, फोन में भी अच्छा चढ़ गया कलर, जैसे तेल लगा है। हाँ नरम नरम हो गए बाल अभी, वो हल्का हल्का सा ना मेहंदी का पाउडर सा वो होता ही है, ड्राई ड्राई होता रहेगा ना, निकलता रहेगा फिर खुद ही निकल जाएगा पूरा। Hi guys. आगे? Hi guys, welcome to my channel, मछली ब्लॉगर आदित। मैं हूँ आदित, और अभी मैं स्कूल से आया हूँ, और मम्मा ने मेरे ना नाड़े फेंक दिए नाड़े में, और मेरी जो स्वेटर है ना वो ब्लू फौजी वाली है, और जो मेरे पजामा है ना और वो भी ब्लू है, दोनों फौजी वाले लाए हैं। आपको अच्छे लगे? हाँ बहुत अच्छे लगे, उस पर मैं तो उनसे भी अच्छे लगे। तो खड़े होकर दिखा दो फिर अपने कपड़े। आई, 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 अच्छे लगे आपको? बता देंगे अब सब कमेंट करके बताओ कि कैसे लगे आपको, कमेंट करके बताओ कैसे लगे आपको। क्या कहा उन्होंने? तो बताएंगे तब बताऊंगी। और कुछ बोलना चाहते हो क्या? नहीं और कुछ नहीं बोलना चाहता। एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं आपके? बहुत अच्छे। आज किस चीज का एग्जाम था? बहुत अच्छे। किस चीज का था आज? इंग्लिश का। और कल क्या है? मैंने अनार मांगा था। अनार लाए हैं, आप बताओ कल क्या है? आप बना दो ब्लॉगर, नहीं बोलना मैंने। अच्छा ये रे मम्मी, यहाँ पे मम्मी लेके आए आदित के लिए अनार और संतरा, क्योंकि आदित ने डिमांड की है। स्कूल से आया तो कुछ ना कुछ खाने को तो देने चाहिए। हाँ मांगता तो हूँ, हाँ। पर मुझे ऑरेंज नहीं खाना। ये रहने दे हम खा लेंगे। ऑरेंज क्यों नहीं खाना आपको? ऑरेंज नहीं, अनार खाना। ऑरेंज क्यों नहीं खाना? अनार तो ऑरेंज से भी ज्यादा पसंद लगता है ना मुझे। सचमुच? हाँ। लाओ मैं खोलू। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैं आ गई हूँ किचन में, आदत के लिए बना रही हूँ हलवा, क्योंकि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को पता है कि आदत का फेवरेट है हलवा, तो आज हलवा मैं कुछ अलग स्टाइल में बना रही हूँ। मतलब पहले मैं इसको सूजी को रोस्ट कर रही हूँ, वैसे बना रही हूँ, ऐसा कुछ नया स्टाइल तो नहीं है बट वैसे बना रही हूँ। पहले भून लूंगी ना इसमें, फिर घी में बाद में वो करूंगी। मैंने कहा चलो इस बार ऐसे बना देते, ऐसे भी मैं बनाती हूँ कभी कभी, जब मेरे पास टाइम होता तो मैं ऐसे बना देती हूँ, जब टाइम नहीं होता तो फिर डायरेक्ट घी में। वैसे एक बात बताऊँ, सेम ही टाइम लगता है क्योंकि घी में भी तो भूनना ही पड़ता है, और अगर आप ऐसे ड्राई रोस्ट करते हो तो भी उतना ही टाइम लगता है। तो आज ड्राई रोस्ट करके बनाते हूँ, मैं थोड़ा खिला खिला सा फुला फुला सा हलवा होगा तो ज्यादा बढ़िया लगेगा खाने में, तो बस वो बना रही हूँ। और ये दोनों छत पे हैं, दादी को तो दोनों छत पे हैं, मैं छत पे ही ले जाऊंगी इनके लिए खाने के लिए। आते ही उसको आपने देख ही लिया कि वो फ्रूट्स वगैरह खिला दिए हैं, तो बस अब हलवा खा लेगा, उसके बाद मैं सो जाऊंगी। अब थोड़ी देर में थक गई हूँ, थक पता कैसे गई हूँ, आज तो कुछ काम भी नहीं था, कल बहुत काम किया हमने, आज कुछ काम नहीं था, बस ऐसे ही धूप में बैठे बैठे ही सुस्ती आ रही है, तो दिल ऐसे कर रहा है कि बस अब रजाई में बैठ जाऊँ, बस हेयर ऑयलिंग करवाऊंगी अभी मम्मी से छत पे बैठ के, धूप में बैठ के, बस उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए मैं सो जाऊंगी। और आज ऐसी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि संडे से पहले जो भी होता है, मतलब सैटरडे को हम लोगों का थोड़ा सा रूटीन ऐसा रहता है कि हम लोग लेट ही खाना खाते हैं, लेट ही सोते हैं, और कल सुबह लेट ही उठेंगे संडे को,
धीरे 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 होगा, जो भी काम होगा देखते हैं आज डिनर में क्या बनता है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं, या आप मेरा ब्लॉग देखते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर, बाय बाय।